फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मुझसे यह प्रश्न किया है कि क्या बिना साइबर कंप्लेन हुए भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है या नहीं। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। साइबर कंप्लेन और बढ़ते फिनेंशियल फ्रॉड के बीच कंप्लेन होने पर साइबर सेल तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर ही सकता है। फिनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के शक में बैंक खुद या फिर RBI या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार से साइबर सेल की इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी बैंक को किसी भी प्रकार के फिनेंशियल फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग का शक किसी भी बैंक अकाउंट पर होता है, तो वह उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट इमीडिएटली फ्रीज कर देता है, या फिर RBI और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से इस प्रकार का कोई निर्देश दिया जाता है तो बैंक इमीडिएटली एक्शन लेते हुए आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। पिछले बीते कुछ महीनों से RBI और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से एक बड़ी मुहिम चलाई गई है और बहुत सारे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। यह सारे बैंक अकाउंट्स फिनेंशियल फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग के शक में किए जा रहे हैं। इन मामलों में इंक्वायरी भी बिल्कुल अलग तरीके से होती है। आपको CDD करने के लिए कहा जाता है, जिसे कंज्यूमर ड्यू डिलीजेंस कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले KYC कराना होता है। KYC कराने के लिए बैंक के अधिकारी आपके घर पहुंचते हैं और इस बात की इंक्वायरी करते हैं कि आप उस एड्रेस पर जो आपने बैंक में दे रखा है वहाँ पर रहते हो या नहीं। इसके अलावा आपका पैन कार्ड फोटो वगैरह लिया जाता है और आपके ईमेल फ़ोन नंबर को भी अपडेट किया जाता है। इस पूरे KYC के प्रोसेस के बाद फिर जो भी ऑब्जेक्शनेबल ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हुआ है उसके संबंध में इंक्वायरी होती है, आपसे पूछताछ होती है और आपको कहा जाता है क्लेरिफिकेशन देने के लिए जो भी ऑब्जेक्शनेबल ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हुआ है। इस पूरे इंक्वायरी के बाद बैंक अधिकारी जो है अपने लीगल डिपार्टमेंट को सारी रिपोर्ट सौंप देते हैं। इसके बाद बैंक अधिकारी और लीगल डिपार्टमेंट एक प्रॉपर इंक्वायरी करता है और कंक्लूजन पर पहुंचता है कि क्या आपके बैंक अकाउंट के थ्रू कोई फिनेंशियल फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है या नहीं। इन तरह के मामलों में दो तीन निर्णय जो है वह बैंक RBI या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सबमिट किए गए रिपोर्ट पर लेता है। सबसे पहला निर्णय यह होता है कि आपको क्लीन चिट देते हुए आपके बैंक अकाउंट को रिलीज़ कर दिया जाता है। दूसरा, आपके बैंक अकाउंट को रिलीज़ तो कर दिया जाता है लेकिन आपको वार्निंग दिया जाता है कि फ्यूचर में किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शनेबल ट्रांजेक्शन से आप बचें, यानी कि किसी भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन से बचें और इसके लिए आपके बैंक अकाउंट को नियमित तौर पर मॉनिटर भी किया जाएगा। तीसरा निर्णय यह दिया जाता है कि आपके बैंक अकाउंट को सिंपली क्लोज कर दिया जाए। और चौथा निर्णय यह होता है कि अगर किसी भी प्रकार का फिनेंशियल फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग सिद्ध हो जाता है तो फिर बैंक RBI या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर देता है बल्कि एक फॉर्मल कंप्लेन भी साइबर सेल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट या किसी भी अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कर दिया जाता है। इस तरह के कोई भी कंप्लेन मिलने और फॉर्मल FIR होने के बाद ही फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या साइबर सेल हरकत में आती है और कानूनन जो भी ड्यू प्रोसेस होता है उसे अंजाम देती है। और चलते चलते आपको बता दूं कि इसके अलावा बिना साइबर कंप्लेन के आपका बैंक अकाउंट SEBI के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा या GST डिपार्टमेंट के द्वारा भी फ्रीज किया जा सकता है। अगर इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है तो फिर डायरेक्टली आपको इन डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके अपने मसले को सुलझाना होगा और बैंक अकाउंट रिलीज करवाना होगा। तो आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।